विश्वव्यापी महामारी कोरोना के 7 महीने बाद आज पहली बार सरकारी कार्यालयों में देखा गया मास्क का चेकिंग अभियान। पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देश में आज पहली बार देखा गया सरकारी कार्यालयों के बाहर मास्क चेकिंग अभियान। विगत 7 महीनों से विश्वव्यापी महामारी कोरोना की वजह से जहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य रूप से बनाने का आदेश जारी किया गया था, वहीं 7 महीने बाद आज मास्क चेकिंग अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के कार्यालय के बाहर देखने को मिला। इस चेकिंग अभियान की कमान ट्रैफिक के TI रीवी भूषण शर्मा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। स्टाफ से लेकर आम जनता का चालान किया जा रहा है, जिससे कि ऑफिस स्टाफ में मास्क को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 3 से 4 पुलिसकर्मियों का चालान भी काटा गया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी अमित पाठक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए वाराणसी से पवन सिंह की खास रिपोर्ट। सर, ये किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, तो कहां पे चलाया जा रहा है? ये पुलिस ऑफिस के अंदर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार मास्क के संबंधित जो भी पब्लिक या स्टाफ अंदर आता है उसके खिलाफ मास्क संबंधी कार्रवाई की जा रही है। क्या सर, पुलिस वालों के चलाने हैं? हाँ, सभी के चलान हो रहे हैं। इसमें कोई किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। सभी के खिलाफ अभियान जारी है और ये लगातार जारी रहेगा।